बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के फजल करम और रहम के साथ आके आप ब्लॉग करते हैं शुरू। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं था मिल रहा, तो आज टाइम मिला तो हम कर रहे हैं ब्लॉग शुरू। तो पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो टाइम नहीं था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हम शॉर्टकट नहीं जा पाए। तो अब टाइम मौसम जो है वो और ठीक सा हुआ है, तो हवा चल रही है, तो अब हम जाएंगे इसके अलावा। लेट्स गो गाइस। इस टाइम हुआ है 4:38 और इस साइड पे शकरघाट की तरफ ना बारिश बनी हुई है, बादल बने हुए हैं। तो बाकी अभी इस साइड पे धूप ही धूप है सियालकोट की तरफ ना। बादल हो गए हैं तो हवा भी चल रही है, ये देखें सामने झंडा है जो कि हवा की वजह से हला रहा है, हिल रहा है। और बादल बहुत ज़्यादा ऊपर घने हो गए हैं इस साइड पे, तो देखते हैं। और हमारे साथ दो टावर हैं, एक व्यू फोन का है, दूसरा पीटीसीएल का, वो सामने ये वाला, वो एक सामने उस साइड पे है, यहाँ पे ये वाला, ये जो है ड्रोन का टावर है। पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सिग्नल की, तो जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हम नेट जो है बहुत स्लो हो चुका था। हम उसे हम ज़्यादा यहाँ पे जोन की सिम यूज़ कर रहे हैं लोग, जो कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से। अब जबकि यहाँ पे एक जोन का टावर यहाँ पे लगा हुआ है, एक मेन बाजार में है, दो टावर हो चुके हैं जोन में ना, जोन के। तो इसलिए अब जो स्पीड है वो इस टाइम ठीक होती है तकरीबन। तो मेरा भाई और मैं पबजी गेम खेलते होते हैं, तो यहाँ पे इस टाइम मोस्टली जो है वो 100 ms जो है वो स्पीड होती है, और रात को तो फिर ठीक हो जाती है, लेकिन जो है कि दोपहर को और शाम टाइम जो है ना बहुत कम होती है। तो यहाँ पे इंटरनेट जो स्पीड है वो जोन की परफेक्ट है, ठीक है। बिल्डिंग है ना ये रेड सी, ये ब्रांच पिंडा चौक है सियालकोट का, वहाँ पे है ये देखें। तो कितना साफ व्यू बना हुआ है, आए चलते हैं हम जा रहे हैं सियालकोट की तरफ। और इस साइड को सियालकोट की तरफ तो अभी सूरज है, सूरज जो है वो अपनी तपश में है, तो निकलते हैं कोई 10 मिनट तक, क्योंकि आस्ता आस्ता जो है वो मौसम ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस साइड पे अभी धूप है, और हवा चल रही है जिसकी वजह से हम निकल रहे हैं, वरना भी और वेट करना पड़ना था। ये देखें सूरज और साथ बादल हो गए, और इस तरह पे शकरघाट की तरफ तो बारिश हो गई, बादल हो गए हैं सही काले से, काली घटा छाई हुई है। साइड पे ठीक ठाक बारिश हुई आज,
बच्चे नहा रहे थे गलियों में, बाजार में तो पानी पानी था, ठीक है। और मौसम बड़ा सुहाना है जी, हमारे कपड़े गीले हैं, हमारी बैग गीले हैं, पॉकेट्स गीली हैं, मोबाइल गीला है, पैसे गीले हैं। मैं मांग नहीं रहा आप लोगों से पैसे, लेकिन क्या बताना तो पड़ता है ना। ये मेरा कबीता दोस्त है, भाई है मेरा, वैसे ना आपका मैं कहता हूँ, वैसे वैसे कहता हूँ है नहीं है, भी काका इतनी लड़ाई होगी नहीं। खूब बढ़ गई तो बचिया बैग साइड दे, ये देखें कपड़े गीले हो चुके हैं, तो खूब बारिश हुई है दोपहर, और यहाँ पे तो नामो निशान भी नहीं है बारिश का, लोग भैंसे चढ़ा रहे हैं वो सामने, तो यहाँ तो जो उन्होंने धान की फसल लगाई हुई है वो भी सूखी है, ये सब भी सूखे हैं, ये देखें वो सामने पीड़ा चल रहा है, नरमाइन लगी हुई है तो वो चल रही है, अभी भी बादल है इस साइड पर, अभी बादल है किंगरे की तरफ, हम इस टाइम किंगरे से थोड़ी सी आ गया यार। ये देखें बाइक के कपड़े गीले हैं, गाइज़ जब हम सियालकोट पहुँचे हैं तो शाम की अजान हो चुकी थी मगरब की, तो अभी अंधेरा भी काफ़ी छा गया है, और वो सामने भाई फिलहाल जो है वो खाना ले रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, देखें गाड़ियाँ जा रही हैं, और यहाँ पर ट्रैफिक का शोर भी काफ़ी ज़्यादा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आसानी देख सकें। अल्लाह पाक आपको इस जबान में रखें।